हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो सभी टेनिस बैट्समैन के लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि गाइस काफी टाइम से मेरे कुछ फॉलोअर जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं वो पूछ रहे थे कि भैया कौन सा टेनिस का बैट अच्छा रहता है या हम कौन सा टेनिस का बैट लें, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट्स में बहुत नंबर ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है टेनिस बैट की, तो आज कौन सा बैट हम लोग खरीदें कि जिससे चूंकि हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो गाइस आज इसी टॉपिक पे मैं ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन सा, अगर आप भी एक टेनिस प्लेयर हैं या टेनिस ही क्रिकेट आप खेलते हैं तो कौन सा बैट आपके लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो चलिए गाइस वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं, और गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप एक टेनिस बॉल क्रिकेटर है या फिर आप कभी कभी टेनिस बॉल भी खेलते हैं तो भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल होने वाला है। और गाइस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे पास पहला जो टेनिस का बैट है वो पूरा जो नॉर्मल जैसे लेदर बैट होता है सेम यही लेदर बैट है, कि इसका बॉटम में थोड़ा सा वेट ज्यादा है, और गाइस पूरा एक नॉर्मल बैट है। और सेम टाइम पे एक मेरे पास दूसरा टेनिस का बैट है कि जिसका आगे का जो सरफेस है वो पूरा सेम है लेकिन जो पीछे का पार्ट है वो थोड़ा होलो है। तो गाइज अगर आज के टाइम पे मैं जो बात कर रहा हूँ तो ज्यादातर जो बैट्समैन है या जो ज्यादातर टेनिस प्लेयर है वो यही वाला बैट यूज कर रहे हैं, लेकिन गाइज इस बैट में और इस वाले बैट में क्या फर्क होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और कौन सा बैट आपके लिए बेस्ट रहेगा इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अगर आप टेनिस रेगुलर खेल रहे हैं और आपको भारी बैट से खेलना पसंद है तो गाइज आप इस वाले बैट से खेलेगा, मींस जो पूरा पीछे से भरा हुआ बैट है आप उससे खेलेगा। क्यों? क्योंकि गाइज जब टेनिस में हमें खेल रहे हैं तो गाइज आपको अपनी जान तो लगानी ही है और कई बार आपको बैट की जान की भी जरूरत पड़ती है। तो गाइज ये वाला बैट जब, क्योंकि पूरा हिस्सा अगर बैट का भरा रहेगा तो इससे आपको थोड़ा ज्यादा पावर लगेगा अगर आपको भारी बैट से खेलने की आदत है। तो गाइज आप बिल्कुल भी इस वाले बैट से नहीं खेलिएगा अगर आपको भारी बैट से खेलने की आदत है। और सेम टाइम पे गाइज अगर आपको हल्के बल्ले से खेलने की आदत है, लेकिन गाइज अगर आप हल्के बल्ला उसमें हल्का बल्ला अगर आप ले लेंगे तो गाइज आप लंबे छक्के नहीं मार पाएंगे, क्योंकि गाइज सेम जैसे लेदर बॉल से होता है कि हल्के बैट से ज्यादा लंबे छक्के नहीं लगते, तो सेम चीज आपकी टेनिस बॉल में भी साइंस इंप्लीमेंट होती है कि अगर आप हल्का बैट लेंगे तो बैट में उतनी जान नहीं आएगी, उतने लंबे छक्के वो नहीं मार पाएगा, और हो सकता है कि कई बार आपकी पूरी जान लगाने के बाद भी या पूरा कनेक्ट होने के बाद भी आप बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो जाए। तो गाइज उस टाइम पे अगर आपको हल्के बैट से खेलने की आदत है और लंबे छक्के अगर आपको मारने हैं तो गाइज आपको उसमें हॉलो बैट का इस्तेमाल करना है, मींस जिसकी बैक जो है वो खाली है, क्योंकि गाइज अगर आप साइडवेज देखेंगे इसका बॉटम हैवी है। सिर्फ ये एक पार्ट क्यों इन्होंने हटा दिया है कि जो बॉटम का हैवी पार्ट था, मींस जो हैवीनेस लाने के लिए था, बल्ले की जान बरकरार है गाइज, की बैट का जो जान है वो बराबर रहेगा लेकिन वेट हल्का सा उतार लेंगे तो गाइज इस बैट से आप लंबे छक्के मार पाएंगे। तो गाइज यही आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से प्लेयर है, कि अगर आपको भारी बैट से खेलने की आदत है तो गाइज आप इस वाले बैट को यूज कीजिएगा, और आपको गाइज अगर हल्के बैट से खेलने की आदत है और उसके बावजूद लंबे छक्के मारने हैं तो गाइज आप इस बैट का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस उसमें जान थोड़ा ज्यादा रहती है, हल्का बैट होता है लेकिन जान ज्यादा रहती है गाइज। तो गाइज जो भी मेरा प्लेयर है जिन्होंने मुझे कमेंट पूछा तो शायद मैंने उनकी क्वेरी पूरी कर दी है, शायद अब उनको बैट सिलेक्शन में थोड़ा इजी रहेगा कि मेरे को होलो बैट से खेलना है या मेरे को पूरे भरे हुए बैट से खेलना है। तो गाइज अगर जो मेरे फॉलोअर की तरह अगर आपकी भी क्वेरी थी ये और क्लियर हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइज अगर और कोई क्वेरी रहती है टेनिस बॉल से लेदर बॉल से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और गाइज चैनल पे अगर अब तक आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।